हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो गाइस, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होता क्या है और इसकी जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक ड्राइव का, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इलेक्ट्रिक ड्राइव होता क्या है। तो जैसे कि देखो, यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है उसको डिफाइन किया हुआ है। इलेक्ट्रिक ड्राइव, इट इज़ यूज फॉर मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल क्या होता है कि किसी भी चीज़ के मोशन को कंट्रोल करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल चाहे हम घर में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, हमारे जो मैक्सिमम काम होते हैं वो होते हैं मशीनरी के द्वारा। अब उस मशीनरी को रन करवाना, जो एक मशीनरी है, कोई भी मशीनरी है, उसको रन करवाना, वो किस चीज़ से रन होगी? वो होगी इलेक्ट्रिक ड्राइव से। इलेक्ट्रिक ड्राइव इज़ यूज फॉर मोशन कंट्रोल। उस मशीनरी को जो मोशन में लाना, उसको उसकी मोशन को कंट्रोल करना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव। इट इज़ यूज इन बोथ कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन लाइक ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, जो हमारा गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारा ये जैसे कि हम कार, स्कूटर, कुछ भी हो गया, कार, बाइक, कुछ भी। तो इसमें जो हमारा मैकेनिज्म यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है, जो हमारी मोटर होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव, क्योंकि वो रन करवाएगी, इसलिए उसको कहते हैं ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव। और जब उसके साथ उसका जो मशीनरी कनेक्ट होती है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। जिस मशीनरी को रन करवाना है, जब उसके साथ उसको इलेक्ट्रिक ड्राइव को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। तो गाइस, अब हम आएंगे अपनी ब्लॉक डायग्राम पे। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइव की एक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें इसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास आएगा सोर्स। अब ये सोर्स क्या होता है, देखिए सोर्स क्या होता है, सोर्स कुछ भी नहीं है, सोर्स है सप्लाई, जो कि हमारी हो सकती है एसी या डीसी। इसको हम देंगे नेक्स्ट ब्लॉक में। ब्लॉक क्या है, पावर मॉड्यूलेटर। पावर मॉड्यूलेटर क्या होता है, आप देखिए, पावर मॉड्यूलेटर इट इज़ यूज टू मॉड्यूलेट फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम सोर्स टू मोटर। जो हमारा सोर्स से सप्लाई आएगी उसको मॉड्यूलेट करवाना है सोर्स से मोटर तक, ठीक है, इस तरीके से करवाना है, इन सच अ मैनर दैट मोटर इज इम्पार्टिंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड बाय द लोड। इस तरीके से हमें उस सोर्स से उस सप्लाई को मोटर तक पहुंचाना है कि जो मोटर को स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, मतलब जो उसको स्पीड टॉर्क के लिए, उसकी जो रिक्वायर्ड स्पीड टॉर्क है लोड के लिए, तो वो हमें मिल जाए। इस तरीके से इसको मॉड्यूलेट कराना है। तो इसकी दूसरी वर्किंग क्या होती है पावर मॉड्यूलेटर की, इसकी वर्किंग होती है ड्यूरिंग ट्रांजिएंट ऑपरेशन। ट्रांजिएंट ऑपरेशन के दौरान अगर हमारी जो होती है मोटर का करंट, ठीक है, या फिर ओवरलोड हो जाता है, जैसे कि करंट बढ़ जाता है, करंट क्यों बढ़ेगा, ओवरलोड की वजह से, ओवरलोड होगा तो हमारा करंट बढ़ेगा। तो इस केस में जब हमारी मोटर को, मतलब कोई उसको डैमेज ना हो, इसलिए ये क्या करेगा कि रिस्ट्रिक्ट द सोर्स, ये क्या करेगा, यहाँ से इस सोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आगे नहीं जाने देगा, मोटर तक नहीं जाने देगा, और मोटर हमारा जो कनेक्शन है वो लॉस्ट, मतलब इसको नहीं पहुँचेगा, ठीक है, सप्लाई नहीं पहुँचेगी, तो मोटर हमारी सेफ हो जाएगी। और इट इज़ वर्क एज अ कन्वर्टर। देखिए हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे जो हमारे कंट्रोल यूनिट से हमारे पास आते हैं कि उसको जो पावर मॉड्यूलेटर है उसको किस तरीके से वर्किंग कराना है, ये होता है कंट्रोल यूनिट में, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलेटर, अब मोटर होती है हमारी, मोटर हमारी कोई भी हो सकती है, देखिए एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे एसी मोटर, जैसे इंडक्शन मोटर लगी हुई है, ठीक है, और हमारे पास सोर्स है डीसी, तो ये पावर मॉड्यूलेटर एक एज अ कन्वर्टर और भी यूज़ होता है। मतलब हमारा जो एसी है वो उस मोटर को कितनी डीसी चाहिए उतने में ये कन्वर्ट करवाएगा, और कितनी चाहिए ये बताएगा उसको कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये बताएगा कि इसको कितनी चाहिए और क्या चाहिए, मतलब एसी चाहिए, डीसी चाहिए, और वो कितनी चाहिए। तो यहाँ से इसको कंट्रोल मिलेगा, मतलब कंट्रोल किया जाएगा कि कितनी चाहिए। पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इसको आगे ट्रांसफर करेगा सोर्स को, सप्लाई को कन्वर्ट करके, या फिर इसको जैसे कि इसको रिक्वायर्ड होगा मोटर को। इसके बाद क्या होगा, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द मोड ऑफ ऑपरेशन। देखो मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, एक मोटरिंग होती है, एक ब्रेकिंग होती है। अब इसको मतलब मोटरिंग करानी है या ब्रेकिंग करानी है, ये पावर मॉड्यूलेटर ही डिसाइड करेगा।
पावर मॉड्यूलेटर कहाँ से डिसाइड करेगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कंट्रोल यूनिट से हमारे पास एक जो हमें कमांड मिलेगी हमें कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट हमें बताएगा कि इसको बताएगा मॉड्यूलेटर को कि अगर आगे क्या करना है, और ये करेगा उस ऑपरेशन को जो कंट्रोल यूनिट से इसको मिलेगा। ठीक है, तो इसका इतनी सी वर्किंग है। यहाँ तक हमारे सप्लाई मिल गई, यहाँ से सप्लाई दी, यहाँ से हमें कंट्रोल मिला, इसको कमांड मिली, इसको आगे ट्रांसफर किया मोटर तक, हमें एसी या डीसी जो भी चाहिए थी वो इसको मिलेगी। तो इसके साथ कनेक्ट होता है लोड। लोड क्या होता है? लोड हमारे देखो, लोड होता है जैसे कि मोटर के साथ कनेक्ट होगा, कोई भी लोड होगा, जैसे कोई बेल्ट है, बेल्ट के साथ कोई लोड लगा हुआ है, जैसे मोटर है, मतलब हमारी मोटर रख लो, जैसे कि हमारा फैन हो गया, फैन के साथ इसकी जो पत्ती होती है ना वो लगी होगी, तो बनेगा ये लोड, ये उसका लोड हुआ, वैसे ही वो एक मोटर है। ठीक है, लोड क्या होता है? लोड कुछ भी हो सकता है हमारा, लोड एक बेल्ट हो सकती है, बेल्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है, किसी रस्सी के साथ कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ हमारा मोटर के साथ लोड। और ये सेंसिंग यूनिट क्या हुई? देखिए, सेंसिंग यूनिट यहाँ से ऐसे होगा ये नीचे को। तो सेंसिंग यूनिट क्या होती है? सेंसिंग यूनिट इज यूज फॉर, सेंसिंग यूनिट इज यूज फॉर सेंसिंग ऑफ सर्टेन ड्राइव पैरामीटर्स, जैसे कि हमारा वोल्टेज या करंट होगा वो उसको सेंस करेगा कि कितनी वोल्टेज या करंट है। तो जैसा कि हमारे पास, अगर हमारे पास कहीं से ओवरलोड या ओवर करंट आता है, या फिर हमारे पास ओवर वोल्टेज होती है, तो ये सेंस करके यहाँ से कंट्रोल यूनिट को कमांड करेगा कि इसको सप्लाई को कट कर दे। तो यहाँ से ये सप्लाई कट हो जाएगी, और इसलिए हमारा जो सेंसिंग यूनिट है ये एज अ प्रोटेक्शन यूनिट भी वर्क करता है। तो गैस इतनी सी इसकी वर्किंग है, इसको ध्यान से देखिएगा, आप इसको समझने की ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।